नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस और सेल रेट सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी रिटेलर को यानी जो रिटेल कस्टमर है उसको सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्राइस सेट कर सकते हैं। होलसेल के लिए होलसेलर को अगर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई डिफरेंट प्राइस सेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप किसी शॉप को भेज रहे हैं, किसी शॉप में डिलीवर करना है तो वहाँ के लिए भी आप प्राइस डिफरेंट सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितने भी बिल टाइप बनाएंगे, जैसे अभी तो हमने तीन की बात की, रिटेल, शॉप और होलसेल, अगर इसके अलावा भी और किसी के लिए आपने बनाना है, लाइक होम डिलीवरी के लिए अलग रेट रखना हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप डिलीवरी करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग रेट सेट कर सकते हैं। वो सब हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप ऑर्डर टाइप कैसे क्रिएट करेंगे। ऑर्डर टाइप क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, एडमिनिस्ट्रेटर में सिस्टम एडमिन और ऑर्डर टाइप मास्टर। अभी यहाँ पर रिटेल, शॉप और होलसेल तीन तरह के ऑर्डर टाइप बने हुए हैं। एक ऑर्डर टाइप हम होम डिलीवरी क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद अब हम आइटम मास्टर वाले पेज पे जाएंगे और वहां पर किसी एक प्रोडक्ट का हर ऑर्डर टाइप के हिसाब से अलग अलग रेट डिफाइन करेंगे। मास्टर में जाएंगे, आइटम कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट आइटम। क्रिएट आइटम में क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हम कोई एक आइटम लेते हैं, जैसे हम मैकी 420 ग्राम ले लेंगे। तो इसका जो कोड है वो है 301825। 301825 जो मैगी 420 ग्राम का कोड है, आइटम कोड है, प्रोडक्ट कोड है। तो जैसे हमने वो एंटर किया तो हमें उसके रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी सारी शो हो गई। अब जो बाई डिफॉल्ट रेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सेल रेट है जो बाई डिफॉल्ट 63 है। अब हमें ऑर्डर टाइप वाइज रेट डिफाइन करने हैं तो जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को सेव करेंगे, सेव करते ही ऑर्डर टाइप वाइज रेट डिफाइन करने की विंडो राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर ओपन होगी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिटेल, शॉप और होलसेल के लिए रेट डिफाइन कर रखे हैं। होम डिलीवरी के लिए भी हम रेट डिफाइन कर देंगे, लाइक इसका रेट बाय डिफॉल्ट जो एमआरपी है 65 वही पुट कर देंगे और ओके करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम बिलिंग करेंगे, इस प्रोडक्ट की बिल बनाएंगे। तो बिल बनाते समय हम देखेंगे कि जो जो ऑर्डर टाइप हम या बिल टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से रेट चेंज हो रहा है या नहीं। पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में इस फॉर्म का यूज हम बिल बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ बिल टाइप आ रहा है होम डिलीवरी, रिटेल, शॉप और होलसेल। अगर हम होम डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं और मैगी को चूज करते हैं, मैगी मैगी 420 ग्राम, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेट जो है 65 है, जो एमआरपी है वही रेट है। तो यहाँ पे 65 रेट शो हो रहा है एक क्वांटिटी बेचने पर। अब अगर हम होम डिलीवरी की जगह रिटेल सेलेक्ट करते हैं देन फिर चेक करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस समय जो रेट है वो 63 है। यानी कि जब हमने होम डिलीवरी सेलेक्ट किया तो उसका रेट 65 था, अब रिटेल वाइज जो रेट है वो 63 है। उसी तरह से अगर हम शॉप वाइज चेक करें तो अब जब हमने शॉप वाइज मैगी 420 ग्राम का रेट जो है वो 60 रुपीज हो गया। अब उसी तरह से अगर होलसेल के लिए देखेंगे होलसेल के हिसाब से जो रेट है वो 50 रुपीज है पर यूनिट मैगी 420 ग्राम का। तो दोस्तों आप
एक ही फॉर्म से, एक ही बिलिंग फॉर्म से मल्टीपल बिल टाइप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल बिल टाइप वाइज प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस समय आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप वाइज रेट डिफाइन कर दिए किसी प्रोडक्ट के, और आपको किसी बार बार किसी और फॉर्म को ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्म से आप जब होम डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे तो होम डिलीवरी ऑर्डर टाइप के वाइज जो भी प्रोडक्ट के रेट डिफाइन होंगे वो आ जाएंगे। अगर आप ऑर्डर टाइप वाइज रेट किसी प्रोडक्ट का डिफाइन नहीं करते हैं तो जो भी बाय डिफॉल्ट रेट होगा वो पिक होके आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ